बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम क्लास कंप्यूटर साइंस 10th के अंदर हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 2 है, जो कि हमारा जीडब्ल्यू बेसिक के ऊपर है। जीडब्ल्यू बेसिक हमारे पास क्या है? बेसिक लैंग्वेज स्टैंड फॉर, या बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस मॉडलिंग इंस्ट्रक्शन कोड। यानी हमारे पास क्या होता है, बिगनर्स की जो बेसिक की फुल फॉर्म है वो क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस मॉडलिंग इंस्ट्रक्शन कोड। बी से बिगनर्स ए ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट हमारे पास किसने डेवलप की थी, किसने बनाई थी? जॉन कैमन और थॉमस कर्ट से दो आपके कंप्यूटर साइंसिस्ट है, जिन्होंने क्या किया था 1963 के अंदर ये लैंग्वेज बनाई थी। इस लैंग्वेज का बेसिक मकसद क्या था? ये आपकी स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज थी, और इसका मतलब यह था कि ईजी एंड सिंपल टू यूज, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सादा सी लैंग्वेज थी। इसका सिंटेक्स बेसिकली बहुत सादा और बहुत सिंपल था, जिसको आम स्टूडेंट्स वगैरह सीख भी सकते थे, लर्न भी कर सकते थे, सीख सकते थे, उसको कोड कर सकते थे और उसके आगे उसको यूज़ कर सकते थे। आपके कुछ पहले होता ही है कंप्यूटर के अंदर कुछ लर्निंग बनाई जाती है, और उस लर्निंग से पहले मतलब लर्निंग डेवलप की जाती है, उससे सिखाया जाता है, देन आपको जाके प्रोफेशनल लेवल पे आपसे काम करवाया जाता है। तो वो लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को इंटरफेस से गो थ्रू कराने के लिए, बेसिकली ये बताने के लिए कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, आपके पास क्या बनी, बेसिक लैंग्वेज बनाई गई, जो इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे तो यूज़ नहीं की जाती थी, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट को उस इन्वायरमेंट से गो थ्रू करवाने के लिए, सिखाने के लिए आपके पास क्या थी, एक बेहतरीन लैंग्वेज थी। तो ये आपकी क्या है? बेसिक आपकी क्या बनी? इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या कहेंगे, बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको दो साइंटिस्ट जॉन कैमन और थॉमस कर्ट्स ने बनाया था 1963 के अंदर, जो कि आपके पास क्या थी, इजी और सिंपल टू यूज था। और इसका बेसिक मकसद क्या था, स्टूडेंट को इस स्टूडेंट लर्निंग डेवलप करवाना, या स्टूडेंट के लिए ये बनाई गई थी, ताकि मतलब कोई प्रोफेशनल लोगों के लिए कहीं बैठ के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए ये लैंग्वेज बनाई गई थी। इसके बाद में डिफरेंट किस्म के वर्जन आए, कुछ आपके क्या थे, जी डब्ल्यू बेसिक थे, कुछ क्विक बेसिक का नाम दिया, कुछ आपके टर्बो बेसिक थे। ये आपके पास क्या थे, वर्जन तीन आए इसके, जी डब्ल्यू बेसिक, क्विक बेसिक और टर्बो बेसिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद थी? तो पहली बात तो वही है, ईजी एंड स्टूडेंट फ्रेंडली, बिल्कुल आसान और स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज थी, जो कि आपके जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। यानी आम किस्म के प्रोग्रामिंग, छोटे छोटे जो टास्क होते हैं वो हमारे आम, जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, जैसे हमने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवा लिया, या किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करवा लिया, तो इस तरह की चीज़ों के लिए कोई ख़ास किस्म के प्रोग्रामिंग प्रोस्पेक्टिव से ये यूज़ नहीं किया जाता। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन है, वो ख़ास किस्म के काम, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड काम है, या आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम है, या जैसे रोबोटिक फील्ड्स हैं, तो ये स्पेसिफिक चीज़ें हो जाती हैं, इन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए नहीं थी। ये आम किस्म के छोटे मोटे काम जो होते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या की जाती थी, यूज़ की जाती थी। इसका क्या था, बहुत अहम चीज़ कि इसका सिंटैक्स वेरी सिंपल था, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स था, सिर्फ दो तीन चार चीज़ें थी जिनको याद करना चाहिए था, और याद करना बिल्कुल, और उनको याद करना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल सी बात नहीं थी। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, राइटिंग टेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन इज ईजी। यानी आप इसको आराम से इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, कोड लिख भी सकते हैं, उसको आराम से टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर उसमें कोई एरर आ गया तो उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, या एरर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। यानी ये सारा का सारा काम क्या था, बिल्कुल ईजी था। तो इस चीज़ को हमने क्या कहा कि इस वजह से भी ये केस की बहुत बड़ी फीचर थी कि राइटिंग करना, क्योंकि इसका सिंटैक्स सिंपल था, और अगर कोई एरर आ गया है तो उसको टेस्ट करना भी बिल्कुल सिंपल है, और उस एरर को रिमूव करना वो भी सिंपल है, और अगर किसी तरह के चेंजेस आपको चाहिए तो वो चेंजेस करना भी बिल्कुल आसान है। तो ये चीज़ आपके पास क्या थी, एक बहुत बड़ी फीचर्स, और रिक्वायर्स लेस मेमोरी। कोई ये नहीं है कि हार्ड डिस्क चाहिए आपको 2 GB, 500 GB, 1000 GB, इस तरह की कोई बड़ी आपको मेमोरी भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो आपकी वैसे नॉर्मल सिस्टम्स के अंदर जो मेमोरीज वगैरह मौजूद होती हैं, वही आपकी क्या है, इसके अंदर यूज़ हो जाती थी। बिल्कुल हल्की फुल्की सी लैंग्वेज थी, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली या कोई ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इसकी प्रोग्राम राइटिंग कैसे करते हैं, हमने पूरा इसका एक फेज पढ़ना है, एक पूरा प्रोसीजर पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है कि हमने प्रोग्राम की राइटिंग कैसे करनी है इसके अंदर, फिर हमने उसको सेव कैसे करना है, फिर उसको लोड कैसे करना है, और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना। ये सारी चीज़ स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या है, हमने पहले प्रोग्राम की सबसे पहले चीज़, राइटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे जो एल्गोरिदम्स होते हैं, हमारे जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख लेते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख लेना, यानी उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अंदर उन बातों को लिखना, ये आपका क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है।
और इट इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर, और ये आपके पास क्या होती है, एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर क्या होती हैं आपके कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक किस्म की इंस्ट्रक्शन वगैरह मौजूद होती हैं। इसके सिंटेक्स क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स इसका बिल्कुल सिंपल सा है, लाइन नंबर और स्टेटमेंट। आपने सिंपल से क्या लिखनी है, लाइन नंबर लिखना है और स्टेटमेंट। जैसे 10, 10 के बाद आपने स्टार्ट कर लिया, 20, 20 के बाद आपने इनपुट नंबर्स कर लिया, 30, 30 के बाद आपने क्या कर लिया, आपने कोई उसके अंदर लॉजिक लगा दी, कोई कंडीशन, 40, इस तरह फिर और बात, इसी तरह से 50, 50 के बाद कुछ और बात। तो इस तरह की आप क्या कर सकते हैं, हर एक लाइन सिर्फ लाइन नंबर लिखें और स्टेटमेंट लिखना शुरू कर दें। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, सिंटैक्स होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई स्टेटमेंट इज सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। अब इसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे अगर आप एक स्टेटमेंट के ऊपर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, एक लाइन के ऊपर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, जैसे आपने एक के अंदर एक ही स्टेटमेंट के ऊपर एक ही लाइन के ऊपर आपने स्टार्ट लिखा और उसी के आगे ही आप क्या लिखना चाहते हैं, उसी के आगे ही आप इनपुट नंबर्स लिखना चाहते हैं या आप कोई और स्टेटमेंट देना चाहते हैं फ्रेम लाइन नंबर के अकॉर्डिंग, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप सेमी कॉलन यूज करें और सेमी कॉलन यूज करके आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लें, तो कंपाइलर इसका क्या कर लेगा, पढ़ लेगा कि ये अलग, जैसे सेमी कॉलन उसको ये, जैसे ही आपको ये कॉलन मिलेगा, ये कॉलन क्या कर लेगा, उसको बता देगा कि आपके पास क्या है, कि ये नई स्टेटमेंट शुरू हो रही है। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, लाइन नंबर लगाएं और लाइन नंबर स्टेटमेंट, और फिर आप क्या करें, कॉलन लगाएं, कॉलन लगाने के बाद फिर आप क्या लगा सकते हैं, फिर उसके आगे और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो वो क्या कर लेगा, उसको रीड कर लेगा। अब उसको वो एक स्टेटमेंट नहीं पड़ेगा, वो उसको दो स्टेटमेंट ही पड़ेगा, क्योंकि आपने दो ही लिखी है। तो ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नॉट मोर देन 255 करेक्टर्स। तो आपकी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो आपकी 250 करेक्टर, 255 करेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एग्जीक्यूशन डिपेंड्स अपॉन लाइन नंबर्स, यानी आपके पास क्या होता है कि जो भी आप क्या करवाएंगे इसके अंदर एग्जीक्यूशन करवाएंगे, एग्जीक्यूशन आपकी डिपेंड करेगी लाइन नंबर के ऊपर। लाइन नंबर के ऊपर क्या था डिपेंड करेगी, फर्स्ट कर लेते हैं कि आपने क्या कर लिया, लाइन नंबर का ऑर्डर चलता है बेसिकली ऐसे कि अगर आपने क्या लिया, पहली लाइन लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी, और चौथी पांचवी के अंदर आपने, चौथी लाइन के अंदर आपने दे दिया लाइन नंबर 60, यानी वहाँ पे आपने 40 देना था, आपने क्या दे दिया उसको 60 दे दिया। उसके बाद फिर आपने क्या लिखा, 50 या 60 लिखा, 60 बाद 70 लिखा, 70 लिखने के बाद फिर आपने क्या लिख दिया, 40 लिख लिया। और फिर आप क्या करते हैं, यानी 60 आपका ऊपर आ चुका है तीसरे चौथे स्टेटमेंट में, और आपका जो 40 है वो 40 आपका क्या गया है, छठी सातवीं स्टेटमेंट में जाके पहुंचा है। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, आप कंपाइलर आपका जब रीड करेगा तब आपका जो कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा वो 40 वाली लाइन, हालांकि नीचे है, वो 40 वाली लाइन को पहले एग्जीक्यूट करेगा, और जो आपकी क्या होगी 60 वाली लाइन होगी उसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये आपका जो एग्जीक्यूशन होती है वो डिपेंड करती है लाइन नंबर्स के ऊपर, तो ये डिपेंडेंसी भी होती है, यानी लाइन नंबर्स आपके क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेविंग प्रोग्राम। हमने प्रोग्राम जब राइट कर लेना होता है तो राइट करने के आप क्या करते हैं, सेव करते हैं, ताकि हमारे पास ये क्या है, बाद में आने वाले वक्तों में भी हमारे पास वो काम आए, हम उसको यूज़ कर सकें। तो हमारा काम क्या होता है कि हम उसको सेव करवाते हैं। प्रोसेस ऑफ सेविंग प्रोग्राम फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड सेविंग प्रोग्राम, यानी हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम को बाद के लिए हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो इसके इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेविंग प्रोग्राम। इसके लिए हमारे पास सिंपल सी बात है, या तो आप सेव कमांड यूज़ कर लें, सेव कमांड आपको नहीं आती तो आप क्या कर लें, F4 प्रेस करें, तब भी वो आपको मेन्यू में ओपन करवाएगा, वहाँ फाइल नेम लें, बात दें और आप क्या कर देंगे, उसको सेव करवा देंगे। या अगर इस तरह से भी नहीं करवाना चाहते तो क्या करें, डबल कोटेशन के अंदर आप फाइल नेम करें और उसको क्या करें, एंटर की प्रेस करें, तो आपसे क्या पूछेगा वो, फौरन से ही आपके पास क्या पूछेगा वो, कि आप इसको क्या दें, आप इसका पूरा का पूरा मतलब पाथ दें कि किस जगह पे किस नाम से सेव करवाना चाहते हैं, तब आप क्या करवा दें, उसको एंटर करें, तो आपको उसी चीज़ का। अब एक बात छोटी सी जो नोट करने वाली है, अगर आपने खुद से इसका कोई नाम नहीं दिया, अगर आपने कोई नाम उसका स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर कोई नाम उसको नहीं दिया, तो वो खुद से जब सेव करेगा तो वो आपको test.bash के नाम से ही सेव करके देगा। .bash आपके BGW बेसिक की एक्सटेंशन है, ये भी आपने याद रखनी है। और टेस्ट मतलब वो टेस्ट फाइल है, वो आप खुद से ही एक नाम लेट कर लेगा फर्जी, यानी डिफॉल्ट नाम उसका क्या रहेगा, test.bash रहेगा। अगर आप खुद से अपनी फाइल का नाम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो खुद फिर कंपाइलर सिलेक्ट कर लेगा जो कि test.bash होगा। .bash इसकी एक्सटेंशन है, ये आपने याद रखनी है। आज तक इतना ही, नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपके पास
बेसिक लैंग्वेज क्या है? बिगनर्स अल्फाबेट सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जॉन कैमेन और थॉमस कर्ट्स ने बनाई थी 1963 के अंदर। इजी और सिंपल टू यूज थी, किस लिए थी? स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए थी, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए आपके पास ये लैंग्वेज बनाई गई थी। वर्जन इसमें क्या थे? जीडब्ल्यू बेसिक, क्विक बेसिक और टर्बो बेसिक, इसमें ये तीन चार वर्जन है। फीचर्स क्या थे? इजी एंड स्टूडेंट फ्रेंडली थी, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सिंपल सिंटैक्स था। राइटिंग टेस्ट एंड मॉडिफिकेशन क्या थी? इजी थी और रिक्वायर्स लेस मेमोरी, इसके अंदर मेमोरी भी बहुत आपको शॉर्ट चाहिए होती है। राइटिंग में आप क्या करेंगे, आपका एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। लैंग्वेज के सिंटैक्स के अंदर आप अपने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट्स को लिखते हैं और इट इज अ फाइल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जो आपकी क्या बनती है, राइटिंग प्रोग्राम या कोडिंग फाइल बनती है अब आपकी आती है, वो ये फाइल होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर होती हैं। और सिंटैक्स इसका क्या होता है? लाइन नंबर स्टेटमेंट्स, यानी सिर्फ आपने लाइन नंबर लिखना है और साथ में आपने क्या लिख देनी है, स्टेटमेंट्स लिख देनी है। और हर एक स्टेटमेंट को आपके, अगर आप एक लाइन के ऊपर डबल स्टेटमेंट्स, तीन ट्रिपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप उनको सेपरेट करेंगे कॉलन के साथ। और आपके नॉट मोर देन, आपके जो करेक्टर होने चाहिए स्टेटमेंट के अंदर, वो नॉट मोर देन 255 होने चाहिए, 255 से कम ही रखें। और एग्जीक्यूशन डिपेंड्स अपॉन लाइन नंबर्स, आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो होगी वो लाइन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। जिस तरह का आपका ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर होगा उसी तरह की एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, हमने प्रोग्राम को सेव करना है तो सेविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोसेस ऑफ सेविंग प्रोग्राम फॉर द लेटर यूज इज कॉल्ड सेविंग प्रोग्राम। यानी अगर आपने क्या करना है, बाद में इस्तेमाल करने के लिए अपने प्रोग्राम को सेव करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेविंग प्रोग्राम बोलेंगे। और इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, सेव कमांड भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप सेव कमांड यूज नहीं कर सकते तो F4 भी प्रेस करवा सकते हैं, F4 नहीं प्रेस करवा सकते तब आप डबल कोटेशन में फाइल नेम लिखेंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा कहाँ पे आप सिलेक्ट, कहाँ पे आप सेव करवाना चाहते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से नाम नहीं देंगे फाइल का तो वो खुद से अपनी मर्जी से क्या कर लेगा, उसको फर्ज कर लेगा जो कि टेस्ट होगा, और उसका आपकी फाइल को जो सेव करवाएगा वो टेस्ट डॉट बैस के नाम से सेव करवाएगा। और डॉट बैस आपकी क्या होगी, आपके प्रोग्राम की एक्सटेंशन होगी। नेक्स्ट ये आपकी जीडब्ल्यू बेसिक की एक्सटेंशन है, बेसिकली एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके दो फेजेस और पढ़ेंगे और इसको फिर एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। थैंक यू।